वहीं रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन दिनों नैनीताल पुलिस जगह जगह पर यातायात से संबंधित गोष्ठी का आयोजन कर रही है। तो वहीं बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने स्कूल के पास यातायात व्यवस्था की कमान संभाली और स्कूल कर्मियों से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में अपना सहयोग देने की अपेक्षा की। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि हाईवे पर स्कूल खुलने और बंद होने के समय यातायात व्यवस्था दुरुस्त न रहने की समस्या रहती है। उन्होंने कहा है कि जिसको देखते हुए स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है, वे अपने स्तर से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल प्रबंधन यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में सहयोग नहीं देता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व्यवहारिक योजनाएं बनाई हैं जिनको हम स्कूलों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जिसमें स्कूलों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था किस ढंग से वहाँ अपने खुलते और बंद होते समय स्कूलों के बनाए, जिसके कारण वहाँ पे जाम ना लगे, जो सामान्य कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, उनको जाम का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस ढंग से हैं कि खुलते समय और बंद होते समय स्कूलों के वहाँ पे अपने सुरक्षा कर्मी लगाएं वो पर्याप्त संख्या में, जो ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज